दोस्तों अगर आप लोग भी एक छोटे यूट्यूबर हैं या फिर आपका यूट्यूब चैनल छोटा है तो खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से होली के अवसर पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों यूट्यूब की तरफ से एक ऐसा न्यू अपडेट आया जो कि एक छोटे क्रिएटर्स के लिए, छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस अपडेट के अंदर जो जो बताया गया है वो चीज बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग आपको आज तक नहीं बताए हैं, जिस रीजन की वजह से आपका चैनल नहीं ग्रो किया। और दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग इस अपडेट में बताए गए चीजों को काम कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होगा और आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होकर आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और जो यूट्यूब का अपडेट आया है आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए, वो आप समझिए और उस मुताबिक अपने चैनल पर काम कीजिएगा। और ये अपडेट बेसिकली यूट्यूब इसी वजह से किया है बिकॉज छोटे यूट्यूबर्स की हेल्प हो और छोटे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने चैनल को मोनेटाइज करें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा जिसके बारे में आपको, जो अपडेट है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये अपडेट, अगर आपने इसमें देखिए कुछ फार्मूले हैं, कुछ चीजें हैं जिनको YouTube आपको बता रहा है और उसी के मुताबिक आपको अपने चैनल पर अभी इसी वक्त से काम करना स्टार्ट कर देना है, तो आपका YouTube चैनल बहुत कम टाइम के अंदर ग्रो हो जाएगा और आपके वीडियोस पर जो व्यूज नहीं आता वो भी समस्या खत्म हो जाएगी और आप YouTube पर बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। देखिए YouTube पर ग्रो करने के लिए कोई ट्रिक नहीं लगता, कोई पेड सब्सक्राइबर वॉच टाइम नहीं लगता, बस सही चीजें सही तरीके से काम करना आपको आना चाहिए और वही चीजें इस अपडेट में बताई गई हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखते जाना, साइड में मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। सबसे पहले देखिए ऊपर टॉप पे लिखा है हेयर्स व्हाई यू सॉलिड पीप एट योर एंगेजमेंट टैब फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसका मतलब क्या है, ये YouTube बोल रहा है ये सारी चीजें, ये मैं और कोई अदर यूट्यूबर्स नहीं बोल रहा है। देखिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं ना वो आपको आज तक सच्चाई नहीं बताते, इस वजह से YouTube डायरेक्टली अपडेट दे रहा है, अपडेट के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा है। लेकिन आप लोग ऐसी वीडियो नहीं देखते हो, आप लोग जिसमें फेक तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाना, व्यूज बढ़ाना, उन पर ज्यादा ध्यान देते हो। लेकिन मेरे भाई अगर आप YouTube पर तरीके से गए, YouTube जो अपडेट बताता है किस वजह से, ताकि छोटे यूट्यूबर समझ पाए और उस तरीके से YouTube के प्लेटफॉर्म पर काम कर पाए। तो इसका जो सबसे ऊपर जो लिखा है उसका मतलब यह है कि आप लोग जो अपने चैनल पर काम कर रहे हो, आप लोग किस तरीके से काम करते हो, वही बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर पुराने तरीके से घिसे पीटे तरीके से काम कर रहे हो, वीडियोस को डालते जा रहे हो, बस वही जो तरीका पुराने लोग लगा रहे थे वही सेम तरीके से तुम भी काम कर रहे हो, तो ऐसे में आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको अलग तरीके से अपने हिसाब से कुछ नए तरीके से काम करना है, सबसे टॉप पर यही लिखा है। देन अब मैं आपको एक एक अपडेट के बारे में बताता हूं और वो आपको सुनना है, और सुनने के साथ साथ ये नहीं कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। ये होली के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अब आप लोग कब देख रहे हो ये कमेंट में जरूर बताना। तो आप ध्यान से सुनिए और मेरी बातों को समझिए और अपने चैनल पर अप्लाई करिए। देखिए सबसे पहला है रिकॉग्नाइज योर टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों इसमें जो लिखा है कि आपके चैनल के जो टॉप वीडियोस होती हैं, टॉप का मतलब ये नहीं कि आपकी वीडियोस में मिलियंस में लाखों में व्यूज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके चैनल पर 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 इस तरीके से व्यूज आता है, लेकिन किसी एक वीडियो पर 1000, 2000, 15000, 20000 इस तरीके से नहीं, आपके चैनल पर जिस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए हो, आपके चैनल के टॉप वीडियो हो, उन वीडियो को आपको रिपीट करके वीडियो बनाना है। जैसे आपकी एक वीडियो थोड़ा ज्यादा से बूस्ट हुई, थोड़ा से ज्यादा व्यूज आए, तो उसी वीडियो को आपको फिर से बनाना है। ये मैं नहीं, ये YouTube बोल रहा है आपको उसी टॉपिक पर, ये यही बोला कि आपके चैनल पर जो टॉप परफॉर्म कर रही है वीडियो, उसको आपको उस वीडियो को दोबारा से बनाना है, रिपीट करना है। और ये बात मैं स्टार्टिंग से अपने चैनल पर बोलता आ रहा हूँ, और बोला ही नहीं मैं खुद उसी चीज को अप्लाई करता हूँ। जैसे मेरा एक थंबनेल वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद मैंने कई सारे थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाया और एक दो फिर से वायरल हुआ। तो ये चीज यूट्यूब पर होती है, रियल है, और यही चीज यूट्यूब आपको समझा रहा है। तो पहला नंबर अपडेट हो गया। देन दूसरा है, ध्यान से वीडियो को समझना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। दूसरा है गेट टू नो योर बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेलिस्ट कोड्स एंड इन्फो कोड्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोग प्लेलिस्ट नहीं बनाते हो, तो सबसे पहले आप लोग अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाओ और उन प्लेलिस्ट में भी कोई ना कोई टॉप वीडियोस होगी, तो आपको उन प्लेलिस्ट की वीडियोस को भी आपको रिपीट करना है, उन्हीं कंटेंट पर फिर से वीडियो बनाना है जिस कंटेंट पर, जिस प्लेलिस्ट पर ज्यादा व्यूज आया हो, जिस प्लेलिस्ट की वीडियोस पर। उससे क्या होता है कि यूट्यूब आप जब उसी टॉपिक उसी टाइटल पर दोबारा वीडियो बनाते हैं तो उस टाइटल की रीच ज्यादा करता है, ये लिखा है। देन इसके बाद लिखा है कि आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट को सही तरीके से कीजिए, कि कौन सी कम्युनिटी पोस्ट पर ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, इंगेज दे रहे हैं, उस तरीके से आप समझ कर अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करिए। देन इसके बाद
और है इम्पो कार्ड्स। इम्पो कार्ड्स का मतलब आई कार्ड्स। अब आप लोग क्या करते हो, अपनी वीडियोस पर आई कार्ड नहीं लगाते हो, लेकिन यूट्यूब बोलता है कि आप लोग अपनी वीडियोस पर आई कार्ड लगाओ, मीन आई बटन लगाओ। अब जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं, वो हर एक यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस पर आई कार्ड, इंडस्क्रीन सारा कुछ लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं बताते। और ये यूट्यूब बोलता है कि अगर आप लोग अपनी वीडियोस पर आई कार्ड्स लगाते हो, तो आई कार्ड से भी आपकी वीडियोस पर व्यूज आ सकता है। जैसे आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो रही है और आपने उस वीडियो पर कोई एक साल, दो साल, पाँच महीने, छः महीने पुरानी वीडियो का आई बटन लगाया है, तो वो वीडियो पर अगर लाख में एक लाख व्यूज आ गया, तो वो जो आई कार्ड वाली वीडियो थी उस पर 2-4-10 हज़ार व्यूज आ सकता है। तो इस तरीके से आपकी पुरानी वीडियोस पर जब लोग देखेंगे, जैसे आई कार्ड के माध्यम से कोई पुरानी वीडियो, उस वीडियो को लोग अगर वॉच कर रहे हैं, तो यूट्यूब उस वीडियो के भी इंप्रेशंस भेजेगा, मतलब कि उस वीडियो को भी डे बाय डे क्या करेगा, बूस्ट करेगा। तो आई कार्ड से भी आपके चैनल की वीडियो वायरल होती है, ये अपडेट बोलना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंड विच इंडस्क्रीन गॉट द कस्ट क्लिक एंड व्हाई। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोग जब मेरा वीडियो देखते होंगे, तो मेरी वीडियो का लास्ट में दो वीडियोज आ जाती है जो कि इंडस्क्रीन होती है, और मैं अपने हर एक वीडियो पर इंडस्क्रीन लगाता हूँ। यूट्यूब का मतलब यह है कि अगर आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, तो उस पर इंडस्क्रीन आई कार्ड जरूर लगाएं। इंडस्क्रीन से क्या होता है कि जैसे आप, जैसे मेरी वीडियो लास्ट होगी, एंड में आएगी, तो दो वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहां तीन भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन वीडियोस पर अगर लोग क्लिक करके देखते हैं, तो जो वीडियो आप लगाओगे वहां पर, उस वीडियो को यूट्यूब और इंप्रेशंस भेजेगा, रीच बढ़ाएगा, जिससे अगर आपके चैनल पर एक भी वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो पर आपने इंडस्क्रीन लगाया है, तो जो इंडस्क्रीन में वीडियो लगाए होंगे, उस वीडियो की रीच यूट्यूब बढ़ाएगा, मतलब कि उस वीडियो के इंप्रेशंस भेजेगा और उस वीडियो पर व्यूज भी आएगा। इसी तरीके से यूट्यूब काम करता है, और यही काम करने को यूट्यूब आपको बोल रहा है, ठीक है। तो आपको अपने वीडियोस पर इंडस्क्रीन को भी लगाना है आज से और अभी से। अगर आप नहीं लगाते हो, तो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। अगर आप सोच रहे हो कोई ट्रिक लगाकर फेक तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर यूट्यूब पर ग्रो कर लें, तो मेरे भाई नहीं, यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई और हकीकत आज की डेट पर कोई नहीं बताता है। चलिए इसके बाद है, सी विच वन ऑफ योर शॉर्ट्स गॉट रिमिक्स द मोस्ट। अब ये शॉर्ट यूट्यूबर्स के लिए, शॉर्ट क्रिएटर के लिए, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर है, आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है, तो थोड़ा सा हिंट यहाँ पर यूट्यूब ने दिया है। ये सारा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूट्यूब ने अपडेट दिया है, जिस अपडेट के मुताबिक आपको अपने चैनल पर काम करना है। अब ये लास्ट वाला अपडेट क्या है, जो कि शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए, अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता, आपके शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज नहीं आता, तो आप ट्राई ये करिए कि जिस शॉर्ट पर, जिस वीडियो पर ज्यादा रिमिक्स किए गए हैं, उस प्रकार के शॉर्ट पर वीडियो बनाइए। जैसे दोस्तों, आपने कोई वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाया, उस वीडियो पर रिमिक्स आ गए, मतलब कुछ बहुत सारे लोगों ने उसी वीडियोस पर वीडियो बना दिया, तो आपको उसी पर फिर से बनाना, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप छोटे क्रिएटर, आपकी वीडियोस पर कोई रिमिक्स नहीं करता है, तो आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं, जैसे कोई शॉर्ट हो गया, या फिर शॉर्ट वीडियो कोई वायरल है, या फिर कोई लॉन्ग वीडियो वायरल है, तो उन वीडियोस में से कौन से वीडियो पर ज्यादा रिमिक्स है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, आपके कैटेगरी के, आपके अपने हिसाब से, ठीक है। तो उस वीडियो पर आपको शॉर्ट बनाना है, यानी मेन मकसद कि जिस वीडियो पर, जिस शॉर्ट या फिर जिस लॉन्ग वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा रिमिक्स शॉर्ट बनाया गया हो, उस प्रकार की, उसी में अगर आप भी शॉर्ट बनाओगे रिमिक्स करके, कुछ भी करके, तो आपके वीडियोस पर, हर नॉर्मली वीडियोस पर, नॉर्मली वीडियो से उस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएगा। ये मैं नहीं, ये यूट्यूब खुद बोल रहा है। तो यही कुछ अपडेट थी जो कि यूट्यूब ने दी है, और होली के अवसर पर। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सारी अपडेट पसंद आई हो, और ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसी तरीके से यूट्यूब काम करता है। बाकी अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ट्रिक के चक्कर में, या फिर पैसे देकर गलत तरीके से सब्सक्राइबर व्यूज वॉच टाइम बढ़ा के यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो, तो भाई ये कोई खिलवाड़ नहीं है। यहाँ से अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो, काम करते हो, तो वो हर एक चीज़ हासिल होगा, आप पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप सभी को पसंद आए, और फिर से अगेन आप सभी को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं कर सब्सक्राइब, तो प्लीज़ अपना छोटा भी समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक लोडम, किसी एक लोडम, तब तक वंदे।